मुझे अच्छा नहीं लगता। जिसको देखो जो आपकी बराबर की उम्र का भी है ना, वो भी आपको बुशरा आपा कह रहा होता है, तो मैं तो नहीं कहने वाला, मैं तो बुशरा साहब ही कहूँगा। हाँ, मैंने तो अभी पिछले दिनों हुमायूं को भी मना कर दिया। मैंने कहा है वो यंगर हस्बैंड देन यू। आपा का ये, सॉरी टू कट यू, हमारी इंडस्ट्री में पिछले कोई 20-25-30 साल से आपा का ट्रेंड हुआ। कुछ लोगों को कभी बुरा लगता है, हमें इसलिए बुरा नहीं लगता कि पहले एक ज़माने में होता था मैडम, तो वो एक अजीब सी फॉर्मेलिटी थी। जैसे फिल्मों के लोगों को भी कई लोग कहते थे फलानी मैडम, एक तो मैडम नूर जहां, वो तो मैडम ही है। हाँ। और वही तो मैडम है, एक ही मैडम है, उनको ही मैडम कहना चाहिए। मगर बाहर और लोगों को भी तमीज से लोग कहते थे, वो फॉर्मल हो जाता था। आपस ही एक अपनाइत होती है। हाँ, तो जब कैमरामैन या स्पॉट बॉय या असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर आपा कहते हैं, तो वही तो रिस्पेक्ट है, उसमें कोई बड़े छोटे का मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, मगर आप हानिया को आपा कह के देखिए, तो आपको बताइए अच्छी बच्चों को आपा नहीं। अच्छा, मैंने ना ये सोचा था कि उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमने काफी जरूरत भी नहीं है, हम और हमने 100 तरह की बातें करनी है, मगर अब चूंकि जिक्र आपने छेड़ दिया आते साथ ही हस्बैंड का, तो इत्तफाक देखिए कि इकबाल हुसैन भी इकबाल अंसारी दोनों जो शख्सियात है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हमसे में दोनों के साथ। बिल्कुल, इसीलिए मैंने यही आपकी मुश्किल आसान करने के लिए सोचा कि दोनों दफा इकबाल क्या कोई नया नाम याद करना पड़ता, कोई परवेज, कोई तजम्मल टाइप नाम। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? ये इस कदर जिंदा दिली, इतनी पॉजिटिविटी, मतलब मैं सिर्फ इसकी दादी दे सकता हूँ। क्या बात, क्या बात, थैंक यू। ये शायद पता नहीं इसका कोई प्लान नहीं होता, ये आपकी नेचर होती है, या होती है या नहीं होती है। ये वैसे बुशरा साहब, इसकी क्या वजह है? आप देखिए कि जैसे बाजू का जब हम किसी दोस्त से को मजाक करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, वही बात जब हम तंज में करते हैं तो बुरी लगती है। हम ये तंज क्यों करने लगे हैं, हम टीज क्यों करने लगे हैं, टॉक्सिक क्यों हो गए हैं। हाँ। हम यानी कि खुशदिली से क्यों नहीं एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर सकते, एहतराम के साथ क्यों नहीं कर सकते। मैं फिर वही कहूँगी कि घर का बैकग्राउंड और माहौल और हालात, ये सब चीज़ें आपकी नेचर को ऐसा बनाती हैं, लेकिन आप अपने आप को बार बार चेक करके करेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मुझे अभी मैं काम करती हूँ जब भी, तो मेरे जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, आप कहते हैं आपा आप इतनी पॉजिटिव हैं सेट पे। मैं जावेद शेख, कवि साहब, मतलब जावेद तो फर्स्ट आ रहा है, मैं सेकंड आ रही हूँ, मतलब वो तो बिल्कुल ही उसको रात बिठाए रखो, बिल्कुल हंसता रहेगा। मैं कहूँगी यार नींद आ रही, बस कर दो, इतना कहती हूँ ना। मैंने कभी किसी स्पॉट को डांटना है ना, मैंने मेकअप ही नहीं कराना, खुद ही कर लेना है कि मैं कहूँ तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो मैं बहुत से ऐसे एरियाज से निकल जाती हूँ जहाँ पे कोई एहतमाल हो किसी बदमजगी का। लेकिन डायरेक्टर्स कहते हैं कि आपा आपकी तरह और आप आए क्यों नहीं होती, तो भाई मैं क्या कह सकती हूँ। मगर मुझे यही लगता है कि जहाँ भी आप काम करने जाएं, यहाँ आएँ या सेट पे ड्रामा करने जाएं, अपने मसाइल घर छोड़ के जाएं। मैंने शायद कभी बहुत सालों पहले समझाया था कि मुझे जब भी काम करना है, मुझे इतना ही करना है कि मैं चिड़चिड़ी माई ना बन जाऊँ। मुझे चिड़चिड़ी माई नहीं बनना, वरना मुझे काम कम करना है। और मैं शायद दूसरों की निस्बत थोड़ा कम भी करती हूँ, साल में एक आधा प्रोजेक्ट करती हूँ, वो भी मुझे बहुत थक जाती हूँ। हाय अल्लाह, बस ड्रामा बड़ा पेशेंस का काम है, 6-6 महीने लग जाते हैं। लेकिन अभी कम किया आपने 2-3 साल से, उससे पहले वो लुत्फ नहीं रहा, क्योंकि वो कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे कि जिसमें आप कहते थे भाई चलो उड़ारी है तो चलो करें, तो चलो सीता बागड़ी तो करें, चलो बिल्किस कौर है तो चले गए अमेरिका, वहाँ पे पैदल चल रहे हैं, उधर कहीं पहाड़ों में फिर रहे हैं कभी। वो तो एक और संचूर कि ये संचूर देखे ना, तो कामों के अपने वो एक कामों की एक्साइटमेंट थी, वो एक्साइटमेंट नहीं रही है, क्योंकि वही सास बहू है या बुरी माँ है या सख्त माँ है, तो वो कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैं ये कोई काम ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ चलो जी, अगर मैं इसको नहीं बहुत पसंद भी नहीं करती, बट आई एम पार्ट ऑफ दैट, व्हेन आई एम डूइंग इट आई हैव कमिटेड टू समबडी दैट आई विल डू इट। तो फिर मैं वहाँ जाके आपको चिड़चिड़ करूँगी, वैसे ये कैसा है, क्यों है, क्या कर रहे हो। हाँ, स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत मेरी उनके कंसेंट से मैं चेंजेस कर लेती हूँ कि देखो ये जुमला अच्छा नहीं है, क्योंकि जाहिर है बहुत ही सतही जुमले होते हैं, आप समझ सकते हैं ज़्यादातर। अच्छे लिखने वाले नूरुद्दीन शाह टाइप तो बैठ गए एक तरफ, मैं भी उनकी पीछे पीछे चेली थी उनकी, मैंने भी ज़रा हाथ रोका हुआ है, आप भी नहीं लिख रहे हैं। तो जो लोग लिख रहे हैं फरावानी से बिजनेस चला रहे, तो कई दफ़ा गैर मयारी जुमले होते हैं, बुरे मतलब खुदा न खासा गलत सेंस में नहीं है, मतलब यही है कि जैसे एक बहुत बड़ी डॉक्टर मैं बनी हुई थी किसी ड्रामे में, मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, अस्पताल था मेरा, मेरे पास प्राडो गाड़ियों की लाइन थी, और मेरा जुमला क्या लिखा हुआ था, मैं अपने किसी साथ में जो डॉक्टर था उसको कहती कि देखिए ये बात जो है ना, ये मुझे वारा नहीं खाती है। तब ये किसी दुकानदार की बेटी ने लिखा होगा, तब तो यही लिखेगी ना फिर, डॉक्टर ने तो परचून दी दुकान तो यहाँ मैं थोड़ा सा उनकी मर्जी से टोक देती हूँ, जैसे बेचारे डायरेक्टर भी आते थे आप आ जरा इसको देख लें तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैं चुड़चुड़ नहीं करती कि यहाँ कैमरा क्यों नहीं रखा, इधर से शॉट बना लेते, आपने कैमरा यहाँ से नहीं, दैट इज नॉट माय एरिया, सो मैं लोगों को कंफर्टेबल रखती हूँ। बहुत अच्छा का बड़ापन है और बड़ेपन की आजिज़ी है कि आपने वॉल्यूम ऑफ वर्क की बात की, वरना मैंने एक बहुत जो इब्तिदा में आपके लिए कलमात कहे मैंने बहुत ज़िम्मेदारी से कहे, बहुत सोच समझ के कहे, बहुत कैलकुलेट करके देखा कि क्या सब कॉन्टेंट में मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये, वैसे तो अच्छी बात है मेहमान को आप मोहब्बत से बुलाएं, मगर वो हकीकत से बुलाया मैंने आपको, कोई शायद ही कोई दूसरा ऐसी कोई फीमेल आर्टिस्ट हो जितने जिसने इतना काम किया हो, इतनी क्वालिटी का और इतनी क्वांटिटी में। अच्छा फिर इतनी डाइवर्सिटी यानी कि, और फिर अच्छा एक और चीज़ भी है जैसे पंजाबी में कहते हैं कि पंच पटिया फनकार। जी बिल्कुल सही जी, जी, जी। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल तो म्यूजिक की शिकायत है ना, हाँ जैसे गुर्दे की होती है तो शिकायत म्यूजिक की है जी। तो अब वो देखें ना वो जो आपका था जिस ज़माने में नया नया पॉप शुरू हुआ और मेलोडी से निकल के एक हम बिल्कुल अजीब तरह की धुनों पे जाने लगे, तो मुझे याद है आपका वो कितना हिट हुआ था कि मेरी गाँव के ना गाँव। हाँ नहीं मैंने पहले पैरोडी की, फिर मैंने एक ट्रेंड को कॉपी किया एज अ रैप सिंगर एज अ बॉय। मेरी मर्जी है मैं पूरी मेरा पूरा मेरा एल्बम है ना वो लड़के का, और मैं लड़का बनी हुई हूँ, मेरा वो पोस्टर भी देख के सब किसी को यकीन नहीं आता, वो टोपी उल्टी पहन के हाँ, तो वो चीज़ें एक्साइटमेंट मुझे चौंकाना अच्छा लगता था। चौंकाया तो आपने पूरी कौम को भी है जगह चौंकाने की आदत बढ़ गई है ना, इसलिए इस दफ़ा ज़रा मैंने आहिस्ता से करके निकाली। लोगों को चौंकने में तकलीफ क्यों होती है ये बताइए? क्योंकि लोग खुद चौंका नहीं सकते। अच्छा अभी एक चीज़ रह गई बाकायदा, इकबाल से इत्तेफाक से मेरी बात नहीं हुई, इकबाल हुसैन से तो मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, और किसी भी शख्स की जो ज़िंदगी है जैसे वो जीना चाहे, हम अपने दोस्त की साथियों की खुशी में खुश होते हैं, कोई जजमेंट नहीं, जो जैसे वो जीना चाहे आप खुश हैं, मैंने कहा मुबारकबाद आपको दे दें। बस एक गल शाह जी मैंने दो कि मैं जान तो पैसे नहीं लुट सके, एंड दिस इज ऑल गॉड्स विल, इसको मैं कहती हूँ ऐसी कोई चीज़ कोई भी प्लान नहीं कर सकता। जी जी कभी भी नहीं कर सकता। नहीं अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबको खुश रखे, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक मिसाल है, मिसाल इसलिए कि भाई अपनी ज़िंदगी है, और जो भी जब शरीयत और अखलाकियात सारे वो देते हैं तो किसी को कोई वो नहीं पहुंचता, मैं समझता हूँ कि सिवाय मुबारकबाद के कोई दूसरी बात बनती ही नहीं है। ये रवैये जो है ना इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बाकी बात ये है कि ख्यालात जो भी किसी के थे पहले वो अपने तक थे, अब उनके पास वो आ गया है बटन, तो जिसका जो दिल चाहे, जिसको जो बुरा लगे वो कहेगा कि आपने ऐसे दुपट्टा लिया था तो वैसे ले लेती, आपने ये क्रॉस लेग की तो इस तरफ को मुंह नहीं होना चाहिए था, फलानी चीज की बेअदबी हो गई, ऐसे क्यों नहीं बैठी थी तो ऐसे क्यों बैठ गई, बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि करने को कुछ भी नहीं है और फेसलेस लोग हैं। अब आप नाम देखें तो चिड़िया बनी होती, वहाँ बंदा ही कोई नहीं है। उन लोगों के पास आ गई ये चीज़ तो फिर वो तो जो मर्जी करें, ऐसी चिड़िया जिसका दिल जहर का है। लेकिन मैं उन्हीं को चाहती हूँ कि एजुकेट हो। मैंने बल्कि एक दिन बड़ी अच्छी बात सुनी थी, कराची में स्टाइलिस्ट है हमारा बच्चा, मैं नाम नहीं लूँगी, और उसकी माँ ने उनको पाला, दो बहन भाइयों को, बड़ा मशहूर स्टाइलिस्ट है, और उसने कहा कि आपा हमने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी हम बड़े हो गए, हम अपने काम पर लग गए, आप अकेली बैठी रहती हैं, हमने अपनी अम्मी की शादी करा दी। तो मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, और हमारी अम्मी इतनी खुश हैं। तो कहने की बात यह कि बापों की तो फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश होती, बाप बच्चे कहते हैं भाई अब्बा अकेले हैं, वो ख्वातीन के वाले से पता नहीं क्यों हाँ अम्मियों को कहते हैं तो हांडी पकाती रहेगी, तो बस हमें तकलीफ ना हो जाए कहीं, तो बहरहाल ऐसे ही है। खैर नहीं अल्लाह ताला आपको क्या बात खुश रखे, और लोगों को भी इस बात को समझने की तौफीक दे। एक तो ये कि भाई लोगों की अपनी जिंदगियाँ हैं, और दूसरे ये एक अच्छा फैसला है। गल्ला तो सारी